अस्सलामुअलैकुम क्लास। कल हमने पढ़ लिया था सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दी थी। होपफुली आपने उसे सॉल्व कर लिया होगा। कैरियर और चैनल प्रोटीन्स का बच्चे पूछ रहे थे। कैरियर और चैनल प्रोटीन्स जो है वो आप अगर लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसका डिफरेंस क्लियर भी पता चल जाएगा। कैरियर प्रोटीन किस ट्रांसपोर्ट के लिए होती है और चैनल प्रोटीन किस ट्रांसपोर्ट के लिए होती है। सो लेट्स स्टार्ट सेल वॉल टुडे। सेल वॉल जो है, इसको शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट्स और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया के अंदर होती है। सिर्फ एक बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, दैट इज अ नेम, दैट्स नेम इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। हाँ, ये बात की बात है जिनके अंदर प्लांट प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आपके एल्गी वगैरह आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है, देन अपना बैक्टीरिया आ जाता है, उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होगी। और ये भी बात आपने याद रखनी है कि सेल में वाल जो है वो इट सेल्फ नॉन लिविंग है। मीन्स दैट ये अगर इसको सेल फ्री कल्चर में हम रखते हैं ना, सेल फ्री कल्चर का मतलब ये होगा कि अगर हम इसको सेल से बाहर निकालते रखते देन ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी और है नॉन लिविंग है। और सक्रीट कौन कर रहा है, ऐसे प्रोटोप्लाज्म। इस दफा एंटी टेस्ट परसों जो हुआ है उसमें ये एमसीक्यूज भी आया था कि सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय, ये आपने बात याद रखनी है, सेल वॉल खुद नॉन लिविंग है और सक्रीट जो कर रहा है वो प्रोटोप्लाज्म सक्रीट कर रहा है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब आपस में मिल जाते हैं देन प्रोटोप्लाज्म बनता है। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितने, उसके अंदर गोल्जी अपरेटस होगा, ठीक है। गोल्जी अपरेटस क्या चीज रिलीज करेगा? गोल्जी वेसिकल्स रिलीज करेगा। आपने 9th क्लास के अंदर फ्लेगमोप्लास्ट का प्रोसेस पढ़ के रखा हुआ है। गोल्जी अपरेटस जो होगा वो गोल्जी वेसिकल को सक्रीट करेगा, ठीक है। गोल्जी वेसिकल जो है वो सेल के सेंटर में जाके जमा होती रहेगी, यानी कि अगर ये प्लांट सेल है तो ये गोल्जी वेसिकल सेंटर में जाके जमा होती रहेगी, ठीक है। और जमा होने के बाद आपस में क्या हो जाएगी, मतलब फ्यूज हो जाएगी और एक प्लेट बना देगी जिसको हमने सेल प्लेट का नाम दे दिया था, जिससे सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो आउटलाइंस होगी वो पहले हम पढ़ेंगे लोकेशन और ऑकरेंस क्या है, देन हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद फंक्शन को देखेंगे, देन सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूफंजाई को देखेंगे। सो लोकेशन एंड अकरेंस, इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री, आपने बात याद रखने, प्लांट्स और प्लांट टाइप प्रोटिस्ट एल्गी फंजाई, उनके सबसे बाहर जो होगी वो क्या होगी, सेल वॉल होगी, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगी, देन उसका साइटोप्लाज्म, उसके बाद बाकी उसके ऑर्गेनेल आएंगे। द वॉल, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। वही बात मैंने बताया, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, बोला डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी मुख्तलिफ होती है और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से भी मुख्तलिफ होती है। ये लाइन इस हाउस ने इसी तरह एज इट उठा उठा के दे दी है कि इट इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये है कि इधर सेल का जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो मिलते हैं, देन उसमें से जो मटेरियल इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह और बाकी मिनरल्स वगैरह गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। गोल्जी वेसिकल जो है वो सेंटर में जाके जमा होती रहती है और फिर बाद में एक प्लेट बना देती है, वो प्लेट बाहर जाके सेल वॉल को भी डिवाइड कर देती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, मतलब फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इज कंट्रोल्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वही रिस्पॉन्सिबल है सेल, नई सेल वॉल के बनाने का, ठीक है। अच्छा, ये डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया, आपको पता है जब सेल डिवाइड करते हैं तो उसका टीलोफेस, ये टीलोफेस स्टेज दिखाई गई है प्लांट्स की, देन ये साइटोकाइनेसिस दिखाई गई है जिसको उसने, ये आप देख रहे होंगे गोल्जी वेसिकल जो है वो निकल के सेंटर में आ रही हैं और आपस में मिलने के बाद क्या बना दी, बोला एक सेल प्लेट बना दी है और ये कंप्लीट न्यू सेल वॉल बन गई है। इस प्रोसेस का नाम हमने रखा था फ्रैगमोप्लास्ट। और ये कब होता है, जब सेल ने डिवाइड करना होता है अपने साइटोप्लाज्म को। सो अब सेल वॉल्स की थ्री लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होगी वो प्राइमरी वॉल होगी, उसके बाद अंदर वाली लेयर का नाम हम रखेंगे सेकेंडरी वॉल, और ये सेंटर में जो आपको व्हाइट कलर की लेयर दिखाई दे रही है ये मिडल लैमेला होगी। मिडल लैमेला, मिडल लैमेला क्या है, मिडल लैमेला जहां सेल प्लेट बनी थी वही मिडल लैमेला ही है, ठीक है। मिडल लैमेला जो है वो दो नेबरिंग सेल के दरमियान एक लेयर होगी। ये एक सेल है, ठीक है, ये सेकेंड सेल है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो व्हाइट कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, डेट इज मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाद क्या आएगी, बोला
प्राइमरी वॉल, उसके बाद ये इनर लेयर इज द सेकेंडरी वॉल। सो कंपोजिशन की बात कर लें, ये कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स, नंबर वन मिडल लैमिना, नंबर टू प्राइमरी वॉल, नंबर थ्री सेकेंडरी वॉल, ठीक होगा। मिडल लैमिना क्या, मिडल लैमिना इज इट इज फॉर्मड बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल, दो सेल्स हैं, ठीक है ना, एक उसकी ये प्राइमरी वॉल है, देन ये हम सेल वॉल को मैं कंप्लीट बनाने लगा हूं, ठीक है, ये उसकी सेकेंडरी वॉल है, इसी तरह एक ये और सेल है, ये उसकी प्राइमरी वॉल है, देन ये उसकी सेकेंडरी वॉल है, इन दोनों के दरमियान एक लेयर होगी, उसका नाम हम क्या रखेंगे बोला, मिडल लैमिला रखेंगे। ये बात आपने, ये मिडल लैमिला, ठीक है, या आपने याद रखना है कि दो नेबरिंग सेल के दरमियान जो होगी वो वॉल होगी, उसको हम क्या कहेंगे बोला, मिडल लैमिला के। जस्ट लाइक दैट, अगर हम इधर एक और सेल बनाए, ये उसकी प्राइमरी वॉल, देन ये उसकी सेकेंडरी वॉल, और उसके दरमियान जो लेयर होगी उसका नाम हम रखेंगे मिडल लैमिला। अब मिडल लैमिला बेसिकली बनाई किसने बोला, ये वही जगह है जहां सेल प्लेट बनी थी, क्योंकि ये डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये बाहर वाली लेयर का नाम प्राइमरी वॉल, ठीक है, और ये मिडल लैमिना है, क्योंकि इधर एक और सेल होगा, ठीक है ना, और उसके बाद प्राइमरी वॉल के बाद आ जाती है आपकी सेकेंडरी वॉल आ जाती है। सो प्राइमरी वॉल जो है उसके अंदर क्या चीज मेन होती है, सेलुलोज और सम पेक्टिन और हेमी सेलुलोज, ये तीन चीजें आपने याद रखनी। सेलुलोज मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, मींस दैट कि प्राइमरी वॉल के अंदर इस तरह सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो होंगे वो फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज होंगे, और फाइबर जो होगा वो क्रिस क्रॉस की फॉर्म में अरेंज हुए होंगे। आज जिस तरह एक स्वेटर बनते हैं ना, अपनी स्वेटर की अंदर धागों की अरेंजमेंट होती है, इसी तरह हमारा जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज की अरेंजमेंट होगी। प्राइमरी वॉल इज द ट्रू वॉल, यानी कि ये सबसे बाहर वाली बाउंड्री है और इसको ज्यादा चीजों को फेस करना पड़ता है, डेट्स वाई हम इसको ट्रू वॉल कहते हैं। इट डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स, ये कब, जब जारी बात है, जब एक सेल ने नई सेल बनाना है तो उसके बाद सबसे पहले प्राइमरी वॉल बनेगी, देन सेकेंडरी बनेगी, बाद में मिडल लेवल होगी। सो सेकेंडरी वॉल जो है फॉर्म्ड इनर सरफेस ऑफ द प्राइमरी वॉल, मैंने बताया था कि ये प्राइमरी वॉल होगी, उसके अंदर जो होगी वो आपकी सेकेंडरी वॉल होगी, ठीक है, ये प्राइमरी वॉल के इनर सरफेस के ऊपर होती है, ये रिजिड भी है और थिक भी है, वो थिन है और रिजिड नहीं है, फ्लेक्सीबल है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, सिलिका होता है, क्यूटन होता है, लिग्नन होता है, ये केमिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सो फंक्शन की बात कर लें, इसका सेल वॉल का फंक्शन क्या है, उसको शेप प्रोवाइड करके रखना, दूसरा फंक्शन क्या है, रिजिड, तीसरा फंक्शन क्या है, नॉट एक्ट एज ए बैरियर, इसमें से चीजें इजीली से गुजर जाती हैं और थ्रू मटेरियल पास थ्रू इट बैरियर के तौर पे ये काम नहीं करती। जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता, बल्कि उसकी जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन से मिलकर बनी होती है, म्यूरिन भी एक फैटी लिपिड नेचर केमिकल है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिली होती है, कंटेन क्या बोला, फंजाई की सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है। सो फंजाई की सेल वॉल काइटन से है, और जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है वो म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन से। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन को मैं बताऊंगा नहीं, पेप्टाइडोग्लाइकेन है क्या चीज, पेप्टाइडोग्लाइकेन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। सो होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं है देन वो मुझे बता दें। आपने डिफरेंस लिख के रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में क्या डिफरेंस है, आपने ये डिफरेंस लिखना है, ठीक है, और अपनी असाइनमेंट वाली नोटबुक में आपने इसको नोट राइट ऑन कर लेना है, और अगर किसी का सिंगल भी क्वेश्चन हुआ देन प्लीज वो डिस्कस लाजमी कीजिएगा। जजाकल्ला।